हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज आज अभी हम हैं पंजाब के एक फेमस शहर जालंधर में। तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं डेरा सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब में। और आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, देखिए कितनी शानदार जगह है ये। हम यहाँ पहुंचे थे सुबह हम यहाँ पहुंचे थे और अभी देखते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। तो चलिए आइए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको वो जगह। और अभी यहाँ के गद्दी नशीन जो हमारे संत हैं, उनका संत निरंजन दास महाराज हैं, और हो सकेगा तो उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। चलिए पहले इस बहुत ही खूबसूरत गुरु रविदास महाराज का, जो पंजाब का सबसे फेमस गुरुद्वारा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सचखंड बल्ला गुरुद्वारा पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये, और काफ़ी देशों से, कई कंट्रीज से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपको उसी जगह। चलिए एक्सप्लोर कराते हैं उस जगह को, आइए हमारे साथ। तो गाइस जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है मेन दरबार अपना, जहाँ महाराज जी की गद्दी है। आप सामने ही देख रहे हो, इस तरफ देखिए कितना भव्य आलीशान, यहाँ पे हर का निशान आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर। अभी यहाँ पर अभी है जो इस जगह पर ये पार्किंग है, पार्किंग का भी स्पेस काफ़ी है। और यहाँ पर हर साल गुरु रविदास महाराज की जयंती पर यहाँ पर समारोह होते हैं, और भारत के अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं। जैसे कि हमने कई लोगों से अभी बात करी है जो MP से और महाराष्ट्र से और अदर स्टेट से भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए थोड़ा आप यहाँ पर देखिए, ये सामने आप देख रहे हो, ये है यहाँ पर सत्संग हॉल, और सत्संग हॉल भी काफ़ी बड़ा है, देखने लायक है। तो आइए चलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है सत्संग हॉल, और अभी हम अंदर ले जाकर भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर उसमें। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर संत रामानंद महाराज की यहाँ पर समाधि है, और दूसरी गरीबदास महाराज की समाधि, और इस हाथ पे जो सामने आप देख रहे हो संत रामानंद की महाराज की समाधि है। चलिए आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। ये महाराज रामानंद की समाधि, आइए थोड़ा सा अंदर से। परिसर काफी अच्छा है यहाँ पर, और इधर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये खाना बनाने की किचन कह सकते हो, किचन है, देखिए काफी बड़ी किचन है। यहाँ पर लंगर तैयार होता है लोगों के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए लंगर तैयार होता है यहाँ पर। करता पुरख निरपा निर्वै अकाल मूरत। तो गाइस देखिए, ये है सत्संग हॉल, और अंदर से कैसा है देखने में। और तो गाइस ये है सत्संग हॉल, आप देख रहे हो, देखिए कितना भव्य आलीशान है। और अभी बहुत ही जल्द 25 तारीख को जयंती है महाराज जी की, तो उसकी तैयारियां सब चल रही हैं। और आप देख सकते हो कितना आलीशान, कितना भव्य ये एक बैठक कह सकते हो आप, सत्संग हॉल है वैसे तो वो बनाया हुआ है। आइए आपको सामने आगे लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। मैं अंबरा ते लिखवावा, मैं अंबरा ते लिखवावा। बागां दे विच मोर बोल दे जंगली बोलन। तो गाइस आइए दिखाते हैं आपको, आगे लेके चलते हैं, दर्शन करते हैं वहां के। बागां दे विच मोर तो आप देख सकते हो गाइस, अभी जैसे कि पर्दे बंद हैं, दर्शन तो नहीं हो पा रहे, बट आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आप पास लेके देखिए, इधर की तरफ एरोप्लेन लगे हुए हैं। इन एरोप्लेनों का क्या रहस्य है वो हम आपको बताएंगे। ये बताया जाता है जिसको भी वीज़ा लगवाना होता है, अगर यहाँ
वो मन्नत सच्चे दिल से मन्नत मांगने आते हैं, दुआ मांगने आते हैं और मत्था टेकने महाराज के आते हैं, तो उनका वीज़ा लगता है और बाहर विदेश जाने की उनकी जो एक इच्छा रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए भी बहुत एक अच्छी जगह है ये, उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हो, मांग सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों जगह यहाँ पर एरोप्लेन एक देखिए वो आप देख रहे हो, ये एरोप्लेन और ये एरोप्लेन की डमी यहाँ पर लगी हुई है। जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर मेरे सतगुरु दी किन्नी सोहणी तोर मेरे सतगुरु दी किन्नी सोहणी। तो गाइस जैसे कि आपने अंदर से पूरा देख भी लिया कैसा है अंदर से हॉल, और अभी चल रहे हैं हम बाहर की तरफ और बाहर से भी देखेंगे कैसा है ये। आइए चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं बाहर से कैसा होने वाला है आसपास का यहाँ का नज़ारा और इस बिल्डिंग का पूरा परिसर, ये जो पूरा परिसर है किस तरह का होने वाला है। आइए बागां दे विच मोर बोल दे जंगली बोलण बागां दे। तो गाइस जैसे कि हमने आपको अंदर भी दिखाया और बाहर भी आप देख सकते हो कितना आलीशान ये बनाया हुआ है, और देखिए इधर की तरफ जैसे कोई महल हो, और आप ये कह सकते हो गुरु रविदास महाराज का ये एक महल है। मेरे पीछे देख रहे हो ये बाहर से इसका नज़ारा, और अभी हमने अंदर से आपको दिखाया। दरिया बोले पानी रे सतगुरु दी अमृत वर की बाणी, मेरे सतगुरु दी अमृत वर की बाणी, मेरे सतगुरु दी अमृत वर की बाणी। तो गाइज अंदर हम गए, हमने ट्राई करा कि अंदर भी ले जाकर हम दिखाएं आपको, मगर उन्होंने हमें अंदर नहीं ले जाने दिया, दर्शन नहीं करा पाए। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।